ये आप देख रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल के नेतृत्व में सैनिटाइजर मास्क पका हुआ भोजन बांटा जा रहा है। आप देख रहे हैं जितने दर्शकगण हैं, ये है छोटी पसाई चक, यहाँ भी थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पकाओ भोजन मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। ये है छोटी पसाई चक, छोटी पसाई चक पंचायत रिफातपुर कचहरी में अवस्थित है। हम लोग तो आप लोग देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सभी लोगों को सैनिटाइजर किया जा रहा, हाथ को धोया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है। क्या है आप सर, आपके पास जानना चाह रहे हैं क्या आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो पहल किया गया, क्या और लोगों को भी पहल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि आपने इस छोटी सी बस्ती का चयन किया, खास करके मेरे पंचायत में मेरे मुखिया जी साथ हैं, हमारे थाना के पदाधिकारी लोग हैं। आप इस गरीब बस्ती को चयन किया, आप यह कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बधाई के पात्र हैं। साथ साथ मुकेश जी, आपका जितनी भी सराहना किया जाए वह कम है, क्योंकि आप तो हमेशा समाज से जुटे हैं। आज मुझे भी सौभाग्य हुआ कि हमारे मित्र और बड़े मने भाजपा के हमारे कुल गुरु कहा जाए, अजय भैया के पुत्र से हमारा परिचय नहीं था, आज मिले। हमारे अन्य लोग से तो परिचय था, लेकिन हम आज कोसों दूर थे, आपके इस संस्था के द्वारा आज परिचय हुआ मेरे पंचायत में, मुझे काफ़ी खुशी हुई। आपका काम सराहनीय है। मैं आशा करता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और हम लोग भी उसमें अध्यक्ष हमारे परमानंद जी हैं, तो हमारे छोटे भाई के बड़े भाई हैं, मित्र के बड़े भाई हैं अमित जी जो इसके सचिव हैं, और अभी अभिषेक जी नहीं है हमारे, वो भी हमारे मित्र हैं, कन्हैया जी हैं, घर के बच्चे हैं लेकिन बड़ा लगनशील है। इनको जब देखता हूँ, हमारे पंचायत के वरिष्ठ बड़े भाई रौनक जी हैं, सत्यनारायण ठाकुर जी हैं, और सबसे बड़ा थाना के पदाधिकारी हैं, राय जी हैं। सबसे बड़ा इसका देन मैं अपने मुखिया को देना चाहता हूँ कि इन्होंने आप लोगों से संपर्क कर ऐसी बस्ती का चयन किया जो कि बिल्कुल अभी कहा जाए कि विकास से कोसों दूर है। मैं चाहूँगा इसी प्रकार अन्य संस्था भी आए तो इस गांव को मदद करे, अगर हो सके तो इस टूटी हुई माने झोपड़ी को अगर कोई संस्था उठा के और पक्का कर दे तो मैं चाहूँगा कि यह मेरे पंचायत का भाग्य होगा। तो आप देख रहे थे हमारे प्रदीप भैया जो यहाँ केवल एक सामाजिक नहीं, हमको लगता है धार्मिक अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, और इनकी भी तारीफ कम जितनी भी वक्त कम कर सकते हैं वो ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी देख सकते हैं कि ये गांव, ये छोटा सा बस्ती है, और आज हम लोगों को काफ़ी खुशी मिला है यहाँ आने के लिए, और डिस्टेंस में रहकर सभी लोग 2 मीटर की दूरी बनाकर सभी लोग देख रहे हैं, खड़े भी हैं यहाँ पर, और सभी लोग बच्चे खास करके यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया और काफ़ी सराहनीय लगा। लगभग यहाँ 100 घर है और हमको धन्यवाद।